वेलकम स्टूडेंट टू गायत्री विद्या मंदिर साचौर, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक थर्ड, एक्सरसाइज 3.1। सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और आज की क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 165 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ताड़ा। 165 स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ताड़ा में पढ़ते हैं। अ डोनर डोनेट्स 550 पर स्टूडेंट फॉर देयर यूनिफॉर्म। अब एक डोनर है जो पैसे डोनेट कर रहा है 550 पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट पर 550 रुपीज़ वो डोनेट कर रहा है फॉर देयर यूनिफॉर्म, उनके यूनिफॉर्म बनाने के लिए। प्रत्येक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, आप सबको पता ही है, आपके भी यूनिफॉर्म है। तो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे एक डोनर है, यानी जो दानकर्ता होते हैं, जो दान देते हैं ना, तो ऐसे ही एक दानकर्ता है जो दान दे रहा है 550 रुपीज़ पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट पर वो 550 रुपीज़ खर्च करेगा। फाइंड आउट द टोटल डोनेटेड अमाउंट। तो आप पता कीजिए कि कितने अमाउंट जो है उस डोनर ने डोनेट्स किए। टोटल अमाउंट डोनेटेड बाई डोनर, टोटल पैसे जो डोनर ने डोनेट किए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 550 इंटू 165। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 550 को 165 से। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म के माध्यम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो उसी अकॉर्डिंग हम इसमें भी करेंगे। देखिए, ये 165 को हमने एक्सपेंड किया है 100 प्लस 60 प्लस 5। सो सबसे पहले हम 550 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 550 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए, 2750। इन द सेम वे 550 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, सो कितने आ गए, ये आ गए अपने 33000। अब नेक्स्ट है 550 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, सो ये हो गए 55000। ओके, अब हम इन सभी को ऐड करते हैं। ज़ीरो को ऐड किया तो ज़ीरो आ गए, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 प्लस 0 तो हो गए ये 7, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 10 का 0 यहाँ लिखा और 1 क्या हो गया, कैरी। ओके, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने हो गए, ये 9। सो टोटल अमाउंट डोनेट बाय डोनर इज इक्वल टू 90,750। सो टोटल पैसे जो है जो डोनर द्वारा डोनेट किए गए वो कितने होंगे, 90,750। देयरफोर टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय डोनर इज 90,750। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ ड्रम कंटेन्स 220 लीटर ऑयल। अब एक ड्रम है जिसमें 220 लीटर ऑयल है। हाउ मच ऑयल विल 350 ड्रम कंटेन। अब ऐसे ही 340 ड्रम्स है तो उसमें कितना ऑयल कंटेन होगा। देखिए, एक ड्रम में 220 है, तो अगर ऐसे के ऐसे 340 ड्रम्स है अपने पास तो उसमें कितना ऑयल होगा, टोटली कितना ऑयल होगा वो हमें पता करना है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक ड्रम है, ठीक है, इसमें कितना है, 220 लीटर ऑयल है। एक और ड्रम है, एक और ड्रम है, और सभी ड्रम में 220 लीटर ऑयल है, 220 लीटर ऑयल। तो इस प्रकार से कितने ड्रम है हमें दे रखे हैं, टोटल 340 ड्रम्स दे रखे हैं। तो अब हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, येस बाय मल्टीप्लीकेशन। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 340 ड्रम्स में टोटल कितना ऑयल है। ऑयल इन 340 ड्रम्स इज इक्वल टू 220 इंटू 340। अब 220 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 340 से, सो 340 को पहले एक्सपेंड करते हैं हम, 300 प्लस 40 प्लस 0।
220 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितने रह गए, 000, सो हम यहाँ लिखेंगे 000. 220 को हमने मल्टीप्लाई किया 40 से तो कितने हो गए ये 8800. अब हमने 220 को मल्टीप्लाई किया 300 से सो ये कितने हो गए 66000. अब हम इनको ऐड करते हैं, 000 को ऐड किया है ना, 0 हो गए, अगेन 00 को ऐड किया हमने, 0 हो गए, 0 प्लस 8 प्लस 0 तो कितने आ गए 8, 8 प्लस 6 कितने हो गए 14, 1 कैरी हो गया, ओके, 1 प्लस 6 कितने हो गए 7. सो टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल इन ए कंटेनर इज 74,800 लीटर. देयरफोर 340 ड्रम्स कंटेन 74,800 लीटर ऑयल. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 340 ड्रम्स में जो टोटल ऑयल है वो कितना है 74,800 लीटर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. प्राइस ऑफ अ सिंगल चेयर इज 678. एक सिंगल चेयर, दैट मीन्स एक चेयर जो है उसकी प्राइस कितनी है 678. वॉट विल बी द प्राइस ऑफ 298 चेयर. अगर इसी प्रकार की 296 चेयर्स है तो उनकी प्राइस कितनी होगी वो हमें पता करना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन. ओके, प्राइस ऑफ 296 चेयर्स इक्वल टू 678 इंटू 296, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 678 इंटू 296. यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो है 678 आएगा. ओके, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 296 से, सो सबसे पहले 296 को एक्सपेंड कर देते हैं. 200 प्लस 90 प्लस 6, 678 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हो जाएंगे 4068. 678 को मल्टीप्लाई करते हैं 90 के साथ तो कितने हो जाएंगे 61020. 678 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200 के साथ सो ये अपने नंबर हो जाएंगे 135600. अब आपको ध्यान रखना है कि नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट करना है. ओके, तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा. अब हम ऐड करते हैं, 8 प्लस 0 प्लस 0 8 आएगा, 6 प्लस 2 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 6 6, 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 का 0 इधर एंड 1 क्या हो जाएगा कैरी. ओके, 1 प्लस 6 प्लस 3 कितने हो गए 10, तो 0 इधर और वापस 1 कैरी, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, सो कितना हो गया अपना आंसर 2,688. देयरफोर प्राइस ऑफ 296 चेयर इज 2,688. सो इस प्रकार से 296 चेयर्स की जो प्राइस होगी वो होगी 2,688. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी प्लांट्स विल बी देयर इन 230 फ्लावर बिट्स इफ ईच फ्लावर बिट्स हैज 525 प्लांट्स. हाउ मेनी प्लांट्स विल बी देयर इन 230 फ्लावर बिट्स. ओके, 213 फ्लावर बिट्स में कितने प्लांट होंगे इफ ईच फ्लावर बिट्स हैज 525 प्लांट्स. अगर एक फ्लावर बिट्स से 525 प्लांट्स होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लांट्स इन 230 फ्लावर बिट्स इक्वल टू 525 इंटू 213, मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे भी मिस्टेक है, जो 525 है वो इसके ऊपर आएगा. ओके, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 213 से. सो 213 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 200 प्लस 10 प्लस 3, 525 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,575, 525 इंटू 10 सो आंसर हो जाएगा 5,250.
525 × 200 तो कितने हो जाएंगे 1,05,000। अब इन सबको ऐड करेंगे तब कितने हो जाएंगे 1,11,825। देयरफॉर 213 फ्लावर बिड्स हैव 1,11,825 प्लांट्स। तो इस प्रकार से 213 फ्लावर बिड्स है उनके द्वारा 1,11,825 प्लांट्स जो है वो होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन 634 बॉक्सेस। 634 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स है इफ़ ईच बॉक्स कंटेन्स 408 बॉल्स। अगर एक बॉक्स में 408 बॉल्स हैं यानी प्रत्येक बॉक्स में 408 बॉल्स है तो 634 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स है वो हमें पता करना है। और इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल बॉल्स इन 634 बॉक्सेस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है हमें 634, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 408 के साथ। ओके, तो सबसे पहले 408 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 400 प्लस 00 प्लस 634 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो कितने हो गए 5072। 634 को मल्टीप्लाई किया 00 के साथ तो सारे क्या हो गए 00। 634 को मल्टीप्लाई किया हमने 400 के साथ सो कितने हो गए ये 2,53,600। अब इन सभी को ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 7 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 7, 0 प्लस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 8, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 एंड 2 का 2। ओके, सो टोटल बॉल्स इन 634 बॉक्सेस इज इक्वल टू 2,58,672। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 634 बॉक्सेस हैव 2,58,672 बॉक्सेस। तो इस प्रकार से अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।